हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस आरएस अग्रवाल बुक से हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। बच्चों आप पहले समझ लें कि दो तरह के नंबर होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। तो इरेशनल हम समझ लेते हैं कि इरेशनल कौन से नंबर है। नंबर वन, जितने भी सर्ड्स वाले नंबर हैं, अंडर रूट वाले नंबर होंगे, रूट थ्री, रूट फाइव, बस ध्यान रहे कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे रूट नाइन की बात कर रहे हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट नाइन के फैक्टर करेंगे, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, थ्री बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा रेशनल। तो रूट वाले जितने भी नंबर हैं, रूट में प्लस में लिखा है, प्लस फाइव, प्लस सेवन, कुछ भी इसके साथ कॉम्बिनेशन आ रहा है, दिस इज इरेशनल। सेकंड नंबर, द टर्म्स कंटेनिंग पाई, पाई या पाई को कंटेन करने वाले जितने भी नंबर होंगे वो भी इरेशनल होंगे। और तीसरी कैटेगरी यहाँ पे आती है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल, इस टाइप के जो नंबर होंगे। इन तीनों कैटेगरी के अलावा जो भी नंबर है सब रेशनल हैं। जितने भी आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, बाकी जितने भी नंबर हैं वो सब रेशनल हैं। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। वन प्लस रूट थ्री, रूट थ्री यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, तो ये नंबर कैसा हुआ, दिस इज इरेशनल। सेकेंड, पाई कंटेन हो रहा है, ये भी नंबर कैसा हुआ, ये भी इरेशनल। थर्ड नंबर में भी रूट हमें नजर आ रहा है, तो ये नंबर भी हमारा इरेशनल हुआ। क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा ऑप्शन रेशनल है। सो क्लियरली जीरो इज द ओनली रेशनल नंबर हियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेशनल नंबर बिटवीन माइनस थ्री एंड थ्री, रेशनल होना चाहिए। और दूसरा ये कहते हैं कि माइनस थ्री और थ्री के बीच में लाई करना चाहिए, तो जो इनके बाहर हैं पहले तो उन्हें हटा दीजिए आप। जैसे बी ऑप्शन माइनस फोर पॉइंट थ्री, तो बी ऑप्शन अगर आप प्लॉट करेंगे माइनस फोर पॉइंट थ्री कहीं यहाँ पे होगा, तो ये ऑप्शन तो इनके बीच में नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ माइनस थ्री और थ्री के बीच में यहाँ पे देखना है। सी ऑप्शन माइनस थ्री पॉइंट फोर, तो माइनस थ्री से लेफ्ट में ही चलेंगे, माइनस थ्री तो माइनस थ्री के लेफ्ट में ही चलेंगे, इसके बीच, इसके लिए माइनस थ्री के लेफ्ट में चलेंगे, माइनस थ्री माइनस फोर एग्जैक्ट बीच में माइनस थ्री पॉइंट फाइव हो जाएगा, तो कहीं यहाँ पे माइनस थ्री पॉइंट फोर होगा, इसका मतलब ये नंबर भी बीच में नहीं है। डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन में देखिए बच्चों, वन पॉइंट वन जीरो डबल वन डबल जीरो डबल वन ट्रिपल जीरो एंड देन वन, एंड ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे डॉट 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 ये भी लिखा है, इसका मतलब देखिए ये आफ्टर डेसिमल, यहाँ पे कोई भी डिजिट, कोई पर्टिकुलर पेयर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और ये कभी खत्म भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 लगा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है डेसिमल, तो ये नंबर हमारा हो जाता है इरेशनल। ये नंबर इरेशनल हो गया, बीच में तो है इन्हीं के, वन पॉइंट समथिंग कहीं यहाँ पे ही लाई करेगा, ओके, बट इट इज इरेशनल। एक अकेला ऑप्शन बचता है जीरो, यही हमारा आंसर हो जाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टू रेशनल नंबर्स बिटवीन टू अपॉन थ्री एंड फाइव अपॉन थ्री, इनके बीच में हमें नंबर चाहिए। अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिनोमिनेटर सिक्स करके लिखा हुआ है, वन अपॉन सिक्स, टू अपॉन सिक्स, यहाँ भी अपॉन में सिक्स है और डी टू अपॉन थ्री। बच्चों सबसे पहले तो आप एक काम किया करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सही आंसर ढूंढने की बजाय गलत आंसर को सॉर्ट आउट करके चले जाओ। जैसे टू रेशनल नंबर्स बिटवीन टू अपॉन थ्री एंड फाइव अपॉन थ्री पूछा है, यहाँ पे एक नंबर तो टू अपॉन थ्री है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। मेथड वगैरह जो भी है बीच में नंबर फाइंड आउट करने का, उस पर हम बाद में ध्यान देंगे, पहले हम जस्ट ऐसे ट्रायल मेथड से, जैसे अपॉन में सिक्स लिखा है, ए और सी दो ऑप्शन है हमारे पास जिनमें डिनोमिनेटर सिक्स है, तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर सिक्स बना लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को टू से मल्टीप्लाई करते हैं, ये नंबर आ जाता है फोर अपॉन सिक्स,
और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएगा 10/6। ठीक, गिवन नंबर हमारे लिखे जा सकते हैं 4/6, 10/6। अब आप देखिए इनमें से कौन से ऑप्शन इनके बीच में आ रहे हैं। यस, पहले ऑप्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पे 1/6, 2/6। बच्चों 1/6, 2/6 कहाँ होना चाहिए? 4 से पहले होगा ना कहीं पे, 4 से पहले कहीं पे लाई करेगा 1/6, 2/6, 3/6। 4/6 के बाद जो नंबर शुरू होंगे दैट विल बी लाइक 5/6, 6/6, 7/6, है ना, इस तरह के नंबर बीच में आएंगे। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, 1/6, 2/6 इनके बीच में नहीं होंगे। सी ऑप्शन आप देखें, यस क्लियरली 5/6, 7/6 बिल्कुल इनके बीच में हमें नंबर मिल रहे हैं, तो आंसर तो हमारा सी ऑप्शन हो जाता है। बी ऑप्शन भी अगर आप ऑब्जर्व करें, देखिए 5/3 आप एक रफ आइडिया डेसिमल नंबर से भी लगा सकते हैं। 2/3 आप करेंगे ये आ जाएगा 0.66 और 5/3 करेंगे सो इट विल बी 1.666। ऑप्शन में 1/2 एंड 2, 1/2 तो कहीं बीच में होगा, 0.5 तो बीच में होगा पक्का, बट 2 इसके आगे आ जाए तो ये दोनों नंबर की बीच में नहीं हो। ये सबसे आसान तरीका है कि जो भी गिवन नंबर है उनको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर ले तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट की पोजीशन कहाँ पे है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, जो क्वेश्चन छोटा सा है, इजी है, बट एक बार समझते हैं अच्छी तरह से। आप देखिए नंबर लाइन पे जो भी नंबर है लाइक 0, 1, 2, ये नंबर्स तो हुए हमारे इंटीजर्स। पॉजिटिव वाले देखेंगे नेचुरल नंबर, सो दे आर सेइंग एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज अ रेशनल, अ नेचुरल, इरेशनल, एवरी पॉइंट दे आर सेइंग कि हर एक पॉइंट, सो वी कांट एग्री ऑन दिस एवरी पॉइंट स्टेटमेंट कि एवरी पॉइंट इज रेशनल। आप लोग चैप्टर 1 पूरा पढ़ चुके हैं तो आपने देखा होगा कि आप नंबर लाइन पे √2 को भी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे आप √3 को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो नंबर लाइन पे हम इरेशनल नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे हम लाइक 0 और 1 के बीच में 1/2, नंबर लाइन पे हम रेशनल भी बना सकते हैं, इरेशनल भी दिखा सकते हैं, नेचुरल भी दिखा सकते हैं। सो वी कांट एग्री ऑन दिस पॉइंट कि एवरी पॉइंट इज रेशनल, फिर इनका क्या होगा? दे आर सेइंग एवरी पॉइंट इज नेचुरल, तो ये जो बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं, डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, इनका क्या होगा? तो नंबर लाइन पे जो नंबर्स हैं वो नेचुरल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सारे नंबर्स होते हैं, बट एवरी नंबर आप अगर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं तो दैट इज अ यूनिक, यहाँ पे आंसर होना चाहिए डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल है? रेशनल का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है, जो इरेशनल नहीं है वो रेशनल, दैट इज रेशनल। तो आप इनमें से इरेशनल कट आउट करते चले जाइए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था रेडिकल नंबर्स, रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, तो √2 हमारे हो गए इरेशनल, √23 ये भी हो गया इरेशनल। डी ऑप्शन 0.101001001, तो ये कौन सा टाइप हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो ये कैटेगरी भी हो जाती है इरेशनल। तो एक अकेला सी ऑप्शन बचता है, स्क्वायर रूट ऑफ 225। फर्स्ट लुक में स्क्वायर रूट हमें यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये 15 times 15 है, तो पेयरिंग कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा, ये नंबर हमारे पास बचता है 15, ये हो जाएगा रेशनल। दिस इज ऑनली रेशनल नंबर इन द गिवन ऑप्शंस। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एवरी रेशनल नंबर इज, इसके लिए हमारे पास है एक, जस्ट रिमेंबर ऑल द सेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, NWIQR, N stands for natural number, whole numbers, integers, rational number, and this is real number set, जो इन सबसे बड़ा होता है। अब बच्चों इसमें से अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड द डायरेक्शन गोज टूवर्ड्स राइट,
So your answer is right. That is true. Means the statement is correct. And if your statement moves towards left, इसका मतलब ये statement हो जाएगा false या wrong. अब ये कैसे apply करना है? देखिए, every rational number is. आप यहाँ पे read कीजिए. Every rational number is. Rational number ये वाला हो गया हमारे पास. First option read करते हैं. Every rational number is natural. Every rational is natural. आप left में move कर रहे हैं. तो statement है गलत. Every rational number B option read करते हैं. B option देखते हैं. Every rational number is a whole number. Every rational is whole. फिर से आप left में read कर रहे हैं. Every rational is whole number. We are moving towards left. Rational से whole number की तरफ चलिए. तो यहाँ भी आप left में move कर रहे हैं. तो ये option भी हुआ गलत. Third, every rational is an integer. इसके लिए भी हमें left में ही move करना पड़ रहा है. Every rational is integer. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. डी ऑप्शन, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. सिर्फ एक इस ऑप्शन में आप राइट साइड में मूव किए, ये ऑप्शन हो जाता है सही. ठीक है, आई होप ये NWIQR आपको समझ आया होगा. सो जो भी स्टेटमेंट आपसे बोले वो आप यहाँ पे रीड करके देख लीजिए. लेफ्ट में चलेंगे तो स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट में मूव कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ट्रू है. कुछ और स्टेटमेंट्स भी चलिए एक बार समझ लेते हैं. If they say every integer, आपसे पूछा जाए every integer is a real number. Statement सही या गलत? चलिए number line पे read करके देखते हैं. Every integer is real. जी हाँ, right side में move कर रहे हैं तो ये statement हो गया true. Let's try for one more. Every whole number is rational. Every whole number is a rational number. We are moving towards right. ये ऑप्शन भी हो गया. लेट्स सी नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन. बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, कोई भी दो रेशनल नंबर आपको दिए जाएं, तो देयर इज नो रेशनल नंबर इन बिटवीन देम. उनके बीच में आप कोई भी रेशनल नंबर नहीं लिख पाएंगे. सोच के देखते हैं, कोई भी आप दो रेशनल नंबर बहुत क्लोज भी ले लें, अगर आप 0.2 और 0.3 ले लें, चलिए क्या हम इनके बीच में कोई नंबर लिख पाएंगे? ऑलवेज वी विल बी एबल टू. 0.25 बिल्कुल बीच में हो गया. ओके, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर. क्या एक ही रेशनल नंबर होगा? नहीं नहीं, बहुत सारे लिख सकते हैं. 0.25, 0.26, मेनी नंबर्स कैन बी रिटन. तो पहले दो ऑप्शन तो गलत हो रहे हैं. थर्ड ऑप्शन, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स. बहुत सारे रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं. यस, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा. डी ऑप्शन अगर हम पढ़ें, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर इज नो इरेशनल नंबर. कोई इरेशनल नंबर नहीं होगा. आपको कोई भी दो नंबर दिए जाएं, चलिए 0.24 एंड 0.2 ही ले लेते हैं यहाँ पे, 0.5 बिल्कुल बहुत क्लोज मैंने कोई दो नंबर लिखे. क्या इनके बीच में कोई इरेशनल नंबर नहीं लिख सकते? ऑलवेज वी कैन राइट. कोई भी इनके बीच में नंबर लीजिए, 2, 4, 1 बिल्कुल बीच में हो गया. एंड मेक इट इरेशनल, इसको इरेशनल बना दीजिए. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 इस टाइप से आप लिखेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो गया, मतलब इरेशनल हो गया. ओके, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाए. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज. एक बार इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितनी तरह की होती है. ये इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक थ्योरी है. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो पार्ट्स खुद ही हो जाते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का मिलता है. सो टर्मिनेटिंग मीन्स जो टर्मिनेट हो जाए, जो खत्म हो जाए, कुछ स्टेप्स के बाद डिवीजन एंड हो जाए. टर्मिनेट मतलब एंडिंग, खत्म होने वाला है, मतलब आफ्टर फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद आपको रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा, पक्कम पक्का, है ना. आप डिवाइड करेंगे तो कुछ स्टेप के बाद, मान लिया आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 38 को डिवाइड करो. इस टाइप के जो नंबर होंगे जिनमें कुछ प्लेसेस के बाद रिमाइंडर हमें जीरो मिल जाएगा, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग. ओके, और जो टर्मिनेटिंग है वो रेशनल है. मेन फोकस हमारा रेशनल और इरेशनल रिकॉग्नाइज करने में है. तो जो टर्मिनेट हो रहा है वो रेशनल है,
आगे देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग फिर से दो कैटेगरी हमारे पास है. खत्म नहीं होगा लेकिन हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होता रहे, रिकरिंग. और दूसरी कैटेगरी आती है नॉन रिकर, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो नहीं होगा, बट हो सकता है रिपीट हो रहा हो. लाइक वी कैन राइट 2.37 37 37 37. इस तरह से कोई पर्टिकुलर डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होता रहे बार बार, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. ठीक है. और बच्चों आप ऐसे ध्यान रखें कि जो रिकरिंग है वो रेशनल भी है. आर फॉर रिकरिंग, आर फॉर रेशनल, ये वाली कैटेगरी भी रेशनल नंबर ही होते हैं. इनको हम सीखेंगे भी आगे. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दीज नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इस फॉर्म में आप इन्हें कैसे लिख सकते हैं. ओके. तीसरी कैटेगरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना तो खत्म होगा ना ही रिपीट होगा. रेंडमली कुछ भी डिजिट्स लिखी रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं 5.30, देन 2 times 3 and 2 times 0, डिजिट्स जो होंगे यहाँ पे आप इनका रिपीटेशन बढ़ाते चले जाएंगे. लाइक 3 3 3 0 0 0 .. तो इस टाइप के जो नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और इसी से आप याद रख लीजिए, दीज आर नॉन रेशनल. जो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग है वही नंबर नॉन रेशनल है, मतलब इरेशनल. तो बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे, जो टर्मिनेटिंग है वो रेशनल, जो रिपीटिंग वाला है वो भी रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दिस इज द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग. बच्चों अभी हमने पूरा चार्ट समझा है. टर्मिनेटिंग वाले रेशनल होते हैं लेकिन सिर्फ टर्मिनेटिंग रेशनल नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला भी रेशनल होता है ना. तो सिर्फ टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ऑलवेज टर्मिनेटिंग ऑप्शन नहीं लेंगे. आइदर टर्मिनेटिंग या तो ये वाली कैटेगरी है, और रिपीटिंग या ये वाली कैटेगरी है. यस, ये दोनों कैटेगरी रेशनल नंबर होगी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन देखें, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग हो जाएगा इरेशनल, मतलब टर्मिनेटिंग रेशनल और ये हो गया इरेशनल. तो ये पूछ रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर. ये तो रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी रेशनल आ रही है और नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी इरेशनल आ रही है. ओके. Neither terminating nor repeating. तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है. चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं. The decimal representation of an irrational number. Irrational number का decimal representation one and only non-terminating, non-recurring. पिछले क्वेश्चन में पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है. Always terminating हो ही नहीं सकता, either terminating नहीं होगा, either terminating नहीं होगा. Terminate तो हो ही नहीं सकता है. Neither terminating nor repeating. D option is correct one. पिछले क्वेश्चन वाला ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे वर्क करेगा. सेम यही एक्सप्लेनेशन यहाँ वर्क करने वाला है. तो टर्मिनेटिंग तो रेशनल हो जाता है, द टर्मिनेटिंग इज रेशनल. आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये भी रेशनल कैटेगरी है, ये भी रेशनल कैटेगरी है. टर्मिनेटिंग जहाँ बोलेंगे रेशनल है, रिपीटिंग जहाँ बोलेंगे दैट इज ऑल्सो रेशनल. ओके. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सिर्फ ये एक कैटेगरी इरेशनल नंबर की होती है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रेशनल नंबर कैन हैव. रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो सकता है, रेशनल का पूछ रहे हैं हमसे. तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को ढूंढना है. विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नंबर हमें ढूंढना है क्योंकि ये वाला नंबर इरेशनल हो जाएगा. ओके. तो पहला ऑप्शन तो टर्मिनेट है, रेशनल नंबर टर्मिनेट होते हैं. रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर कैन बी रिपीटिंग. इन्होंने पूछा है कैन नॉट हैव, रेशनल नंबर कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ डेसिमल. तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि डी ऑप्शन में देखिए कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, ग्रुप चेंज हो रहा है. 03003003 जो रिपीटिंग वाली डिजिट्स हैं वो हर एक स्लॉट में अलग अलग आ रही है.
है ना, यहाँ पे एक ही जीरो है, यहाँ पे दो जीरो हो गई, यहाँ पे तीन जीरो हो गई, तो सेम रिपीटेशन नहीं है. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. तो सिर्फ एक ये कैटेगरी हुई इरेशनल नंबर. आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छा लगे, कुछ अच्छा सीखने को मिले, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. इस वीडियो के लिए इतना ही. फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी.